हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी टू आर स्टडी में। दोस्तों आज मैं वीडियो ला हूँ, इससे बताने वाला हूँ दोस्तों कि कैसे सिद्ध करिएगा दोस्तों उत्तर लेन से 1/a = 1/b-u। इसको सिद्ध करूंगा दोस्तों, सबसे पहले इसको हेडिंग देते हैं। क्या सिद्ध करना है दोस्तों? उत्तर लेंस में 1/f = 1/b-1/u। ये क्या करना है दोस्तों? सिद्ध करना है, ठीक है? ये तो सिद्ध करना है। तो जैसे कि इसका बहुत ज्यादा आएगा, इसका फॉर्मूला का यूज होता है, जैसे कोई न्यूमेरिकल बना रहा है ऑप्टिक्स का, उसमें आपको इसमें आ जाएगा, इसका प्रयोग आ जाएगा। ऐसे से कोई बोर्ड दे रहा है टेंट का, तो वहां पे इससे क्या रहता है कि आपको 5 नंबर का प्रश्न आता है, बोल जाएगा क्या कि उत्तल लेंस में 1/a = 1/b-1/u सिद्ध करना रहता है, ठीक है? तो इसका रहता है निगमन करना था, सत्यापित करना था। तो उसका जो करें कैसे, तो सबसे पहले उत्तर लेंस में करना, तो आप लोग जानते हो तो उत्तर लेंस का फिगर पाड़िए। इसी जब उत्तर लेंस का फिगर जानिएगा तब तो इसके वस्तु की स्थिति रखूंगा, कहाँ पे रखूंगा, प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सारा कंडीशन में आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना है, उत्तर लेंस में एक वस्तु को रख देना। तो उत्तर लेंस में मैंने एक वस्तु को रख दिया, ठीक है? ऐसा 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 करता हूँ डॉट से, यहां तो उत्तर लेंस में रख दिया वस्तु को, यहां से इसका प्रधान रखा जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ से एक रहेगा कोई एक, यहाँ पे दो जानते हैं उत्तर लेंस से दो फोकस होता है, एक एफ रहेगा, यहाँ क्या क्या रहेगा, टू एफ रहेगा। यहाँ से तो ये तो एफ हो गया, अब यहाँ से तो क्या रहेगा, एक एफ डैश रह जाएगा, ठीक है? ये क्या रहेगा, टू एफ डैश। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे इसका तो बिंदु एक हो जाएगा, ये बिंदु वो है। अब यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, मैं वस्तु एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ऑब्जेक्ट में इसका नाम क्या है, ए भी है। तो ऑब्जेक्ट में क्या करता हूँ कि एफ और टू एफ, फोकस एफ और टू एफ के बीच में रख देता हूँ, ठीक है? अब बीच में रखूंगा तो मैं देखता हूँ कि प्रतिबिंब इसका कहाँ बनता है, प्रतिबिंब जहां बनेगा उससे फिर इसका फिनिक भी ना आएगा इसका भी। ध्यान वाली वस्तु में ए भी रख देता हूँ, ठीक है? यहाँ ए है और यहाँ बी है। अब यहाँ पे वस्तु रखेगा तो यहाँ से प्रकाश जाएगा दोस्तों, अब प्रकाश तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से तो परावर्तित होकर दोस्तों एफ से ही जाएगा, इसको डॉट से मिला दीजिए, ऐसे चल जाएगा। अब यहां से तो एक बी है, यहां से जाएगा प्रकाश जाता है उससे होते हुए, तो यहां पे देखिए यहां से जा रहा है, यहाँ पे काट रहा है। जब दोस्तों दोनों किरणें दोस्तों एक दूसरे के काटते हैं वहीं पर दोस्तों क्या होता है, वहां पे प्रतिबिंब बनता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे काट रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे काट रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, और यहाँ पे बी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। मान लेते हैं क्योंकि प्रतिबिंब मैंने ए बी पर रखा था तो यहाँ पे वस्तु बन रहा है। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, ये तो वस्तु प्रतिबिंब का स्थिति आ गया, वस्तु का स्थिति आ गया कि कहाँ पे रखा तो कैसा प्रतिबिंब बना। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना, आपको देखना है कि इसमें कितने त्रिभुज आ रहे हैं। तो एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है बोर्ड पर, सीधा ध्यान दीजिए आप, आपको कहीं बस समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज आपको आ रहा है ए ओ बी, यहाँ पे तो आपको नजर आ रहा हुआ ए ओ बी, एक त्रिभुज आपको जरूर यहाँ पे नजर आ रहा हुआ ए डैश बी डैश ओ, ठीक है? यहाँ आपको त्रिभुज नजर आ रहा है बड़ा सा एक ए, और इसके तरफ जस्ट लाइक सामने आ रहा हुआ, ठीक है? तो ये दोनों त्रिभुज दोस्तों क्या हो गए, समरूप है, ठीक है? ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो समरूप होगा तो इसको मैं कंडीशन होगा समरूप हो जाएगा, तो इसका क्या फिर इसके बाद आएगा। अब लोग जानते हैं कि जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, अर्थात दो त्रिभुज का संगत भुजा समान अनुपात में रहेंगे, ठीक है? जैसे 1/2 इसका रहेगा समानुपात, तो उसका भी 1/2 ही रहेगा। तो जैसे एक और इसे जानने से पहले जानिए दोस्तों कि वस्तु की दूरी, वस्तु की दोस्तों एक दूरी होता है, इसको तो सूचित किया जाता है यू से, ठीक है? और जो उत्तर लेंस जो वस्तु की दूरी होगा माइनस होता है, ठीक है? वस्तु की दूरी क्या करेगा, माइनस से। एक आता था दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब जो होता है दोस्तों जहां पे वस्तु का बनेगा, जिस जिस स्थान पर जो वस्तु की दूरी प्रतिबिंब बनेगा उस दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहता है, और इसी को तो सूचित किया जाता है भी से, ठीक है? अब फोकस जानते तो एक से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी एफ हो जाएगा। अब यहाँ इसी कंडीशन लगा, सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या करिएगा, मान लीजिए यहाँ से दर्पण का बिंदु एम से टकरा कर गया प्रकाश रख दिया, तो यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों सबसे पहले क्या, माना कि ए बी वस्तु को, ए बी वस्तु के दोस्तों क्या करना है दोस्तों, उत्तल लेंस है दोस्तों, उत्तल लेंस में लिख देना है वस्तु को, उत्तल लेंस के
एफ तथा यहाँ देखिए एफ और टू एफ के बीच वस्तु रखा गया था, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत। यहाँ तो टू एफ तो इसमें यहाँ पे है, लेकिन यहाँ इसके बाद अनंत आ गया, अनंत और टू एफ के बीच बन रहा है, यानी कि वस्तु को एफ तथा टू एफ के बीच रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब एफ डैश है, टू एफ डैश है दोस्तों, तथा अनंत के बीच बना। अब उसमें ये तुम्हारा आ गया दोस्तों, अभ्यास से क्या लिखेगा दोस्तों, चित्र से। मैं किस लिए बताया था आपको कि चित्र पढ़िए, चित्र से पढ़िएगा तब आपका निगमन होगा, चित्र के बिना आपको कोई गुंजाइश नहीं, चित्र पढ़ने पर ही आपका आएगा, आएगा इसका क्या, इसका स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। आप दोस्तों मैंने क्या बताया, दो त्रिभुज एक ए बी, एक ए डैश बी डैश ओ, यहाँ पे लिखेगा दोस्तों क्या, त्रिभुज ए बी समरूप, त्रिभुज ए डैश एक ओ है बी डैश, ठीक है। अब जब समरूप हो गया दोस्तों, तो समरूप दोस्तों क्या होता है, उसका संगत भुजा समान अनुपात में होता है, यानी कि इसका भुजा ए बी है तो उस त्रिभुज का इस संगत देखिए क्या है, ए डैश बी डैश है, इस त्रिभुज का संगत भुजा क्या है, ओ ए है, और इस त्रिभुज का संगत भुजा क्या है, ओ ए डैश है, समीकरण फर्स्ट। अब यहीं से दोस्तों क्या करने का, और त्रिभुज आपको नजर आ रहा होगा, अब दिमाग लगाया तो आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एम है और एफ डैश, यहाँ आपको त्रिभुज नजर आ रहा है, और एक यहाँ दोस्तों एक और है ए डैश बी डैश एफ डैश, ठीक है। यहाँ पे दो त्रिभुज आपको नजर आ रहे हैं क्या, एक एम ओ एफ डैश, एक आ रहा है ए डैश बी डैश एफ डैश, दो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होंगे दोस्तों, समरूप हो गए, समरूप का दोनों तो समान, यानी कि कौन से भी भुजा सबसे बराबर हो गए, ये समरूप हो गए तब तो टेंथ क्लास में इसका थ्योरम होता है, समरूप जब रहता है तो उसका संगत भुजा समानुपाती होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ एम और एफ है, ए डैश बी डैश एफ है, दोनों क्या होंगे समरूप हो गए, तो समरूप जब हो जाता है तो उसका संगत भुजा समानुपाती होता है पहले वाले के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या लिखेगा, त्रिभुज यहाँ एम है यहाँ ओ है एफ डैश, समरूप रख दीजिए, त्रिभुज क्या है दोस्तों यहाँ पे ए डैश बी डैश एफ है, अब समरूप हो गया तो संगत भुजा समानुपाती कर दीजिए, तो इसका संगत भुजा एम ओ है, और इसी का संगत में क्या आ जाएगा, इसका भुजा जाएगा क्या आ जाएगा बताइए, ए डैश बी डैश, अब इसके संगत भुजा दोस्तों क्या है, ओ एफ है ओ एफ डैश, अब इसी के संगत में क्या आ जाएगा दोस्तों, ए डैश बी एफ डैश। दोस्तों देखिए बात बताइए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रकाश का जो किरण आया बताइए कि बीएम जो है यहाँ से आया है, इस समानांतर आया है कि नहीं आया है, तो समानांतर आया है तो जब समानांतर जैसे क्या जानते होंगे दोस्तों, ऐसा रहता था कोई भी आयत रहता है तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए बी रहता है सी डी, तो आप यहाँ पे लिखते थे क्या, ए बी बराबर सी डी है, क्या लिखते थे, बी सी बराबर ए डी, तो क्यों लिखते थे, क्योंकि दोनों समानांतर आता था और दोनों लंबवत रहता था, इसी तरह से दोस्तों जब एक बात है कि जब भी दर्पण या लेंस में वस्तु को रखा जाएगा वो लंबवत रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा, यानी कि यहाँ जो ए बी वस्तु है 90 डिग्री पर है, इसका प्रतिबिंब भी 90 डिग्री पर है, अब दोनों समानांतर है तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोस्तों एमओ होगा ए बी के बराबर हो जाएगा, एमओ ए बी के बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दोनों समानांतर आ रहे हैं प्रकाश के ए के, और यहाँ पे वस्तु जो रखा गया है क्या रखा गया, 90 डिग्री पर रखा गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि लिख सकते हैं दोस्तों बीएम समानांतर ओए तथा क्या है दोस्तों ए बी समानांतर एमओ है एमओ से, और जब समानांतर हो गया तो बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखिए बताइए, ए बी बराबर एमओ, ये जब बराबर हो गया दोस्तों तो इस जगह पर यहाँ पे जो है इस जगह पर रख दीजिएगा, तो रखिएगा दोस्तों तो क्या जाएगा, मैं समीकरण इसके जगह पर दोस्तों रखिए ए बी का जो मान है एमओ के बराबर, यहाँ क्या लिखेगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर में क्या जाएगा ओ एफ डैश, और बटन में क्या जाएगा ए डैश एफ डैश, ये समीकरण को सेकंड मान लीजिए। अब समीकरण जो फर्स्ट है सेकंड को देखिए, यहाँ पे दोनों का एल एच एस बराबर है, इसका भी एल एच एस बराबर है, तो दोनों का आर एच एस भी बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखना है मैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से दोनों का बराबर कर दीजिए, यहाँ एक आ जाएगा उसका आर एच एस ओ ए डैश, यहाँ आ जाएगा ओ एफ, उल्टा बन रहा है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ओए को देखना, ओए को देखना कि ओए क्या दर्शा रहा है, तो ओ से लेकर ए तक के बीच की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी, क्योंकि वस्तु का जो दूरी है दर्पण के केंद्र से दूसरा दूरी क्या रहा है,
वही है, और वही बताया था कि वस्तु की दूरी को शून्य कहता है यू से, तो हमें यू लिखना है लेकिन माइनस लगा देना है। तो मैंने बताया था कि वस्तु की दूरी जब भी होता है तो माइनस में होता है, तो कोई भी रहे। अब यहाँ ओ डैश को देखना है, ओ से लेकर ए का डैश देते बताए, वो किसे लेके डैश, प्रतिदिन तो यहाँ पे बढ़ रहा है, इसका दूरी तो यही है, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रतिदिन की दूरी तो भी से ओ एफ डैश, तो ओ एफ डैश में क्या होता है, फोकस होता है, ये बोले चाहे यहाँ से ए बोले, दोनों फोकस ही है, तो एफ से। अब उसको क्या है ए डैश एफ डैश, अब इसका ये तो इसका कोई काम नहीं, इसका जानते हैं ये दर्पण की दूरी नहीं है, ना वस्तु की दूरी है, ना प्रतिबिंब की दूरी है, ना फोकस है, तो कुछ नहीं है। अब इसको क्या लिखना, देखिए कि इसको है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पूरा में से इतना घटा दीजिएगा तो आपको आ जाएगा, तो यहाँ क्या लिखिएगा बताइए, क्या लिखेगा दोस्तों, ओ ए डैश माइनस में ओ एफ डैश, ठीक है, क्योंकि पूरा में से घटाइएगा ओ ए डैश में से ओ एफ डैश को, तो हमारा आ जाएगा एफ डैश, इसलिए मैंने उसको लिख दिया माइनस बी बटे डी ए है। अब ओ ए डैश को देखिए क्या है, बी है, और ओ एफ डैश को देखिए क्या है, यहाँ एफ हो गया दोस्तों, ओ ए डैश पूरा भी है प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ क्या है फोकस, अब दोस्तों गुना भाग आप कर दीजिए तो आपको आ जाएगा, तो गुना करिए दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा माइनस में यू, यहाँ रख दीजिए वी माइनस में एफ में गुना करना है, यहाँ क्या करना है वी एफ करना, गुना करिए माइनस में यू वी प्लस में यू एफ हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, क्या आ जाएगा वी एफ, इसको आपको साइड में ही साइड लाइए, प्लस में यू एफ माइनस में वी एफ बराबर की जीरो। आप दोनों तरफ दोस्तों क्या करें यू वी एफ से भागा दीजिए, क्या से यू वी एफ से भागा दीजिएगा दोस्तों, भागा दीजिएगा दोनों तरफ, तो फिर तो कट जाएगा सेम आ जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर यहाँ माइनस में क्या है यू वी, यहाँ भी भागा दीजिए यू वी एफ, प्लस में यू एफ है, यहाँ भी भागा दीजिए यू वी एफ, यहाँ माइनस में है, माइनस में क्या है दोस्तों वी एफ, इसको भी भागा दीजिए यू वी एफ से, जीरो है, जीरो को भागा दीजिए यू वी एफ, ये तो जीरो आ जाएगा। अब काटे यहाँ से यू से भी कट जाएगा, ठीक है, यू एफ कट जाएगा बचेगा भी, वी एफ कट जाएगा बच जाएगा यू, ये तो जीरो हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं माइनस में वन बटे एफ लिख सकते हैं, प्लस में लिख सकते हैं वन बटे वी, यहाँ लिख सकते हैं माइनस में वन बटे यू। अब क्या करिए जो माइनस में वन बटे एफ है उसको साइड में भेज दीजिए, तो क्या जाएगा वन बटे वी माइनस में वन बटे यू बराबर प्लस में वन बटे एफ हो जाएगा, कि माइनस में है यहाँ एल एच एस साइड में उसको भेज रहा हूँ बटे जो यहाँ पर क्या है बराबर जीरो है, सब तो जीरो हो गया, तो क्या जाएगा प्लस में वन बटे, ये हमारा क्या करना था सिद्ध करना था, देखिए बस मैंने इसको आगे कर दिया हूँ और इसको पीछे कर दिया, बस लिखेगा तो बात बराबर जाएगा, से बस कुछ नहीं करना है, एक उत्तल लेंस लेना है, वस्तु को रख देना है टू एफ और एफ के बीच, वस्तु का प्रतिबिंब तो हम जानते हैं कि जब रखा जाता है एफ और बी तो प्रतिबिंब बनता है अननोन तो टू एफ डैश के बीच, बन गया। अब इसके बाद क्या करना, दोनों तरफ को समरूप कर देना है, तो मैंने समरूप कर दिया, समरूपता का नियम लगाया, समरूप समानुपाती समानुपाती लगाया आ गया। अब सेकंड त्रिभुज देखा तो एक है ए है, अब दोनों को समरूप किया तो बस वही नियम लगाना इसके और इसके, यहाँ पे लेकिन सब बात है कि दोनों समानांतर आ रहा था इसलिए ये मोह है जो ए बी के बराबर है, तो बराबर रख दिया, बराबर रखने वाले समीकरण में रखा तो एक नया समीकरण बन गया सेकंड, अब सेकंड फर्स्ट और सेकंड में दोनों में बराबर क्या है एलएचएस, जब एलएचएस बराबर हो जाता है तो आरएचएस भी बराबर हो जाता है, तो आरएचएस बराबर कर दिया। यहाँ पे लिखा गया था क्या कि वस्तु की दूरी माइनस यू, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी भी फोकस दूरी एफ, अब वस्तु की दूरी माइनस यू होता है, कोई भी रहेगा दर्पण दर्पण रहेगा तो भी हो जाएगा, यहाँ भी रहेगा ये भी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस यू लिख दिया, यहाँ भी रख दिया। अब इसको दोस्तों क्या करना था, ये ए डैश एफ डैश है, इसको लिखेगा क्या, ये पूरा में से घटा दीजिएगा इसको तो आ जाएगा, तो इसलिए मैं लिख दिया हूँ। अब पूरा का दोस्तों क्या है भी है प्रतिबिंब की दूरी, भी लिख दिया, यहाँ ओ डैश एफ ओ एफ डैश क्या दर्शाता है फोकस दूरी दर्शा रहा है, तो फोकस दूरी के लिए एफ होता है, एफ मैंने लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है मैंने दोनों तरफ यू वी से भागा दे दिया यू वी एफ से, इसलिए क्योंकि फिर भागा दे जाएगा कट जाएगा जीरो आ जाएगा, इसलिए मैं क्या किया भागा दे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, भागा दे दिया तो हमारा ये नया आ गया समीकरण, ये हमारा क्या था उत्तल लेंस में सीधा हुआ क्या वन बटे बराबर वन बटे वी माइनस वन बटे यू। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं दोस्तों,
तो दोस्तों हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो जरूर लाइक करें, हो सके तो ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चलेगा कि उत्तल लेंस में कैसे 1/a = 1/b माने सुशीध होता है वही जान सकेंगे। और दोस्तों यदि हमारे यूट्यूब चैनल डी टू आर स्टडी पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके सामने पहुंच सकेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसे मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अति आवश्यक है। तो इंतजार करिए। जय हिंद, जय भारत।